सबको भी चाहिए कि जीवन में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा अवश्य करें। अब यह अष्टयाम सेवा क्या होती है? देखिए, आठ पहर की सेवा ही अष्टयाम सेवा कही जाती है। 24 घंटे में आठ पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है। एक पहर 3 घंटे का होता है और सुबह 3:36 से पहला पहर प्रारंभ हो जाता है। तो सुबह से ही बिहारी जी की सेवा प्रारंभ कर देनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने तन को स्वच्छ रखें। स्वयं की शुद्धि भी ठाकुर जी की सेवा में सम्मिलित है। आप शुद्ध होकर के बिहारी जी के पास जावे, यशोदा की तरह। फिर उसके बाद सुबह हो, शयन रात्रि, सुबह मंगला आरती करें ठाकुर जी की, उठ करके स्नान करके ठाकुर जी को उठावे, स्नान करावे, आरती करें। फिर प्रातः काल आरती करें, फिर ठाकुर जी को भोग लगावे। ऐसे हर 3-3 घंटे पर 24 घंटे सेवा दें, उस सेवा को अष्टयाम सेवा कहते हैं। यानी एक मिनट भी बिना बिहारी जी के जिया न जाए। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की अब आवन होए न होए, आवन होए न। प्रत्येक श्वास में उनकी याद, प्रत्येक श्वास में उनका चिंतन, यही तो अष्टयाम सेवा है। और भगवान बड़े बड़े कर्म कांड से भले ना मिले, ठाकुर जी बड़ी बड़ी उपासना से भले ना मिले, पर ठाकुर जी हमारे सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मीराबाई ने क्या किया? कोई बहुत बड़ी उपासना करी क्या? कोई बहुत बड़ा कर्मकांड यज्ञ किया क्या? बस ठाकुर जी की सेवा की। और 4 वर्ष की अवस्था से, पहली बार जब दूदाजी बीमार पड़ गए तो 4 वर्ष की मीरा छोटी सी थी, तो दूदाजी ने कहा, मीरा जी जाओ भगवान को दूध पिला के आओ। अब 4 वर्ष की मीरा ने दूध लिया कटोरी में और पहुंच गई। अब उनको तो ये लगता था कि छोटी सी बालिका थी, ऐसा लगा कि बिहारी जी आते होंगे और पीते होंगे। तो दूध कटोरी में लिया और मंदिर में बैठ गई और कहा, बिहारी जी सांवरिया आओ, नेक दूध को भोग लगाओ। अब बैठे बैठे मीरा को आधा घंटा है गई, पर कोई ना आयो। अब मीरा कहने लगे, ठाकुर जी दूध पी लो, वरना हमारे दूधाजी महाराज हम पे डांटेंगे कि मीरा तेने ठाकुर जी पे दूध ना पिलायो। अब बैठे बैठे बड़ी देर मैया रुक्मणी जी ठाकुर जी से बोली, प्रभु जी पी लो, वरना आज ही ऐसी बैठी रही। अब मीरा जी उठी और ठाकुर जी के गाल को पकड़ती, कहती, देख लाला, जो तेने ऐसे रसगुल्ला जैसे गाल बना रखे ना, दुबलो है जाएगो, दूध पी ले। कटोरा भर के पहुंच गई। अब जब बड़ी देर हो गई, भगवान भी भक्त के भाव पर रिझते हैं, ठाकुर जी प्रकट हुए और कटोरा लेके भर भर दूध पीने लगे। मीरा जी कटोरा लेके पहुंची दूधा जी के पास। दूधा जी ने कहा, लाली ला प्रसाद पवाए दे। मीरा ने कहा, प्रसाद पवाए दू? पूरा दूध तो ठाकुर जी पी गए। अब दूधा जी बोले, क्यों बावरी बनावे मोहे, हैं ठाकुर जी भी कभी ऐसो करें का दूध भी पीवे? मीरा ने कहा, बाबा सब साची कहूं तेरी कसम, ठाकुर जी दूध पी गए। दूधा जी ने कहा, चल दिखा चल के। अब दूधा जी हाथ पकड़ के मीरा जी का पहुंच गए इस मंदिर के पास। अब मीरा ने फिर दूध का कटोरा भरा, अब पहुंच गए ठाकुर जी के पास। अब पूरी जमात इकट्ठा, सब भीड़ पूरी आ गई कि आज देखेंगे मीरा जी का दूध पीते हैं कि नहीं। पूरी जमात आ गई। अब मीरा जी दूध ली, ठाकुर जी के सामने खड़ी,
ठाकुर जी दूध तो पी लो। थे तो आरो घोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। लाला ने तो दूध पी ले, इस सबरी जमात खड़ी देख रही है, अगर नाए पिए तो मीरा की लाज नाए बचे। दूधा जी मन दई बुलावण, जद में आई चाल, अर्ध्योली गाय को दूध गरम कर, लाई मिश्री डाल। क्या ने रूठ गया जी, क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई। अब ठाकुर जी मूर्ति से निकले ही ना, अब अकेले में तो मिल गए। मीरा कहती है अकेला अकेली की चलन नहीं करनी पड़ेगी, हर बार छुपके से मिलते हो, हर बार चुपचाप प्रेम का इजहार करते हो, कभी भरे समाज में प्रेम का इजहार करो तो जानू कि तुम मेरे हो। किस विधि रूठ गया छो लाला, कारण कह महाराज, दूध कटोरो धरो सामने, पीवणे आवे लाज। भूखा मरता रहा जी। भगत की जब ज्यादा देर तक नहीं सुनते तो भगत गालियां भी देने लग जाता है। अरे भूखा मर जाएगा पी ले। भूखा मरता रहा जी, भूखा मरता रहा पिच जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भूखो मर जाएगा गोल मटोल गाल सबरे पिस जाएंगे, या तो दूध पी ले। अब ठाकुर जी पर जब बड़ी देर हो गई, बिहारी जी प्रकट नहीं हुए, तो मीरा समझ गई तुम चुपचाप आशिकी का इजहार करते हो। तुम भरी सभा में हाथ पकड़ने वाले नहीं हो, मैं आज से बात नहीं करूंगी तुमसे। और जैसे मीरा मुड़ी, मूर्ति से बिहारी जी प्रकटे और दूध का कटोरा लेकर गट कर कर पीने लगे। पूरी सभा स्तब्ध रह गई कि 4 वर्ष की मीरा ने सेवा के प्रभाव से भगवान को प्रकट कर लिया, प्रकट कर लिया।